रहता है, ऑनेस्टी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जब कानपुर आते हैं ना तो ऑनेस्टी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहां पे ट्रेंड है ठगना। नहीं समझे? समझा। भाई वैसे तो आप जब दुनिया में किसी देश में जाते तो सब एक चीज का ध्यान रखें कि कहीं उन्हें कोई ठग ना ले, लेकिन कानपुर जो टूरिस्ट आते हैं वो तो चाहते हैं कि उन्हें ठग लिया जाए, क्योंकि वो कानपुर की स्पेशलिटी है। नहीं समझे? आइए बताइए। तो ये है कानपुर की वर्ल्ड फेमस शॉप लड्डू की, जिसका नाम है ठग्गू के लड्डू। मुन्ना लाल मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। आज कब से काम कर रहे हैं मुन्ना जी? आपने दुकान के साथ 25 साल हो गए, दुकान 50-60 साल दुकान ही सुने कल मेन रोड के सामने। मतलब ऐसी दुकान, मतलब आपको खुले में कह रहे हैं कि हम ठगने वाले हैं ठग्गू के लड्डू, ये नाम कहाँ से आया? ये हमारे पिताजी ने कहा है, उन्होंने ये नाम दिया है, और वो गांधी एक सभा में जाया करते थे दिल्ली में, तो वहाँ उन्होंने जो है राज्यसभा में गांधी जी ने कह दिया शक्कर सफेद जय है, बगैर शक्कर सफेद जय है, ये गांधी जी ने कहा था, बगैर शक्कर के लड्डू बनता नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो गांधी का स्वास्थ्य और शक्कर दोनों करते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा सत्य। मतलब सत्यवादी थे, झूठ बोलते नहीं थे, सत्य वचन बोल गए कि मैं तुम्हें ठग रहा हूँ, शक्कर के साथ लड्डू खाने तो खाओ। लेकिन वैसे लड्डू में खास क्या है, इतने सालों से इतनी जनता आती है क्या, किस चीज का मिश्रण करते हैं शक्कर के साथ? अरे वाह, ये पहले बता दो जी, किस किस के साथ ठग रहे हैं, क्या क्या है? पिस्ता है, बादाम है, गुड़ है और सूजी है, ये चीजें डाल के खाई जाती है। मतलब ये लड्डू खा के तो बंदा ठगे बन जाएगा, उन्होंने सारी अच्छी चीजें ऐसे कोई प्यार से ठगे कहना बना कर सकता है। थैंक यू सो मच, ये जतिन सब्बू का वादा है कि ये लड्डू मैं कपिल देव को खिलाऊंगा, ठीक है? कपिल पाजी को जरूर खिलाएंगे लड्डू, सिद्धू पाजी से नहीं है हमारे साथ, कपिल पाजी को खिलाएंगे, आकाश को खिलाएंगे, गावस्कर जी को खिलाएंगे, खुश रहिए। कपिल भी अकेले नहीं खा रहा हूँ, मैं बांट के गए सबको ठग लिया जी, पूरा डब्बा मिला था मेरे को 1.5-2 किलो का, और ये डब्बा कैसे हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में था, तो सारे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने ठग लिया। लेकिन लड्डू भी डायरेक्टर साहब आपको भी मिला लड्डू प्लीज यार, लेकिन बड़े प्यार से भेजा है कपिल पाजी। मैं बात खा सकता हूँ आपसे, एक ही बात पूछ लो, इसके पैसे देके आए थे कि नहीं? बाजी आपने जी बाजी प्रोड्यूसर देख भैया ऑनेस्टी का चर्चा चालू है, बने यार क्वेश्चन पूछा था कपिल पाजी ने, पाजी प्रोड्यूसर ने दिए थे मेरे पैसे, पैसे नहीं देंगे।